हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शुभ्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लॉकिंग वाला जो पीरियड है वो 16 तारीख तक एक्सटेंड किया गया। कारण आपको पता है कि टोटल 8 मेडिकल कॉलेजेस का एडिशन हुआ है, जिसमें 5 यूपी और 3 राजस्थान के। एवरेज अगर हम ये मानते हैं कि हर कॉलेजेस में पर्टिकुलर मैट्रिक्स भी आपको दिया गया है, पर मैं एवरेज ले रही हूँ कि अगर हर कॉलेज में 50-50 सीटें भी हुई तो 250 सीटें यूपी में और 150 सीटें जो हैं वो आपके राजस्थान में बड़ी, और टोटल आपको नए मेडिकल कॉलेजेस से 400 सीटों का मुनाफा मिलेगा। साथ ही साथ पूरा सीट मैट्रिक्स रिलीज भी किया गया एमसीसी राउंड 2 में कि पुराने कॉलेजेस में भी काफ़ी सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो वो भी आपको देखना है। अब ये जो सीटें इंक्रीज़ हुई हैं ये एमसीसी के लिए इंक्रीज़ नहीं हुई है, स्टेट के लिए भी इंक्रीज़ हुई हैं। आपको टोटल सीटों में से 15% सीटें जो है एमसीसी के लिए राजस्थान और यूपी की निकाल लेनी है। तो 400 सीटें एमसीसी में नहीं बढ़ी हैं, 400 सीटें जो बढ़ी हुई हैं वो स्टेट में भी बढ़ी हुई हैं। तो आपको सिर्फ 15% सीटें आपको मिलेंगी, तो जो कि 60 से 65 होंगी। ये सिर्फ मैं यूपी और राजस्थान की बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारी सीटें स्टेट के अलग अलग कॉलेजेस में बढ़ी हैं, वो भी आपको देखना है। इन सीटों के बढ़ने से आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा, जिससे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि क्या हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सोचना चाहिए? अब जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, वो उतना पैसा नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए तो ये चांस है कि उन्हें राउंड 2 की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहिए। ठीक है, अगर उनको उनकी रैंक अच्छी है और वो राउंड 1 का कॉलेज प्राइवेट कॉलेज लेकर पे करने वाले थे, तो उनको तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप राउंड 2 की काउंसलिंग में बैठिए, क्योंकि अगर आपके नंबर और रैंक अच्छे हैं तो आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि सीटें इंक्रीज हुई हैं। दूसरी बात ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। नए मेडिकल कॉलेजेस जो बढ़ते हैं तो क्या राउंड 2 में वो सेफ होंगे लेना? बिल्कुल सेफ होंगे। जब भी एनएमसी आपको मान्यता दे रहा है तो ऐसे ही नहीं देगा, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, तो इस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इस पर एडमिशन ले सकते हैं। कट ऑफ में चेंजेस होंगे क्योंकि ऑब्वियसली सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरी बात ये है कि जब एमसीसी से हम जो है तो सीट ले लेते हैं, तो आपकी स्टेट में जो सीटें होती हैं या स्टेट में सीट मिलने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एमसीसी में अगर सीट बढ़ गई हैं तो यूपी और राजस्थान और बाकी स्टेट जिनकी कॉलेजेस की सीट बढ़ी हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो यूपी और राजस्थान वालों, स्टेट से आपको फ़ायदा तो मिलेगा। अब यह है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए क्योंकि हमने तो ऑलरेडी मन बना लिया था, पर फिर मैं आपको बात बता रही हूँ कि अगर आपके नंबर और रैंक अच्छी है, ठीक है, पेइंग कैपेसिटी आपकी नहीं और आप ड्रॉप ले चुके हैं, तो ड्रॉप आप थोड़े 1 महीने बाद भी ले सकते हैं। आपको राउंड 2 की काउंसलिंग को ज़रूर अटेंड करना चाहिए क्योंकि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा बेटा। कट ऑफ में चेंज ज़रूर आएगा, आपको कॉलेजेस मिलने की संभावनाएँ बहुत है, इसीलिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, ताकि वो सारे बच्चे जिनको कॉलेज मिलने में एपिसोड हो रहा था, वो घबराए हुए थे कि मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मैं प्राइवेट ही ले लूँ, उनके लिए तो ये राहत की सांस है कि डेट एक्सटेंड की गई है। तो प्यारे बच्चों, राउंड 2 की काउंसलिंग को ज़रूर अटेंड करिए, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी अगर आपकी रैंक और नंबर उस तरीके के हैं, और अगर नहीं है देन यू गो फॉर ड्रॉप, देन यू गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। बट इफ़ यू डोंट हैव पेइंग कैपेसिटी, इफ़ योर पेरेंट टेकिंग लोन्स, तो आप राउंड 2 की काउंसलिंग को अटेंड करिए अगर आप चाहते हैं। ठीक है, तो आप सीट फिक्स कर सकते हैं, पर वहां पर भी प्राइवेट कॉलेजेस के साथ दिक्कत यह है कि वो फीस आपसे ले लेंगे और शायद वो रिफंडेबल ना हो। तो ये डिसीजन टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं, पर अगर आप यूपी राजस्थान के हैं या एमसीसी में नंबर बहुत अच्छे आए हैं तो राउंड 2 की काउंसलिंग को जरूर अटेंड करिए। ये था लेटेस्ट अपडेट जो मुझे आपको बताना था कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको पाथवे दिखा दिया है, अब आप उस पर चलना है या नहीं चलना है ये टोटली आपका डिसीजन होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगला वीडियो किस पर चाहिए। आई होप यू लर्न एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।